सीधे चलते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के इसी ऑडिटोरियम में, जहां एक प्रोग्राम चल रहा है। दिल्ली में जिस तरह हादसों में लोगों की मौतें होती हैं, उनकी डेथ्स हो जाती हैं, फेटल एक्सीडेंट सामने आते हैं, उसको देखते हुए जिन लोगों ने अपनी वक्त की परवाह ना करते हुए उन लोगों को बचाया जो हादसों का शिकार हुए या जो सड़कों पर खून में लथपथ तड़प रहे हों, उन लोगों को उस तरीके के लोगों ने जो आकर के पहुंचाया अस्पतालों में, उनकी जिंदगियों को बचाया, उनकी जानों को बचाया, ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक फरिश्ते स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया है और उन लोगों को एजाजात से, अवार्ड से नवाजा जा रहा है। उनको एक लकब, एक टाइटल फरिश्ते का दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फरिश्ते बनकर दूसरों की जान बचाई, इस बात की परवाह किए बगैर कि जो शख्स सड़क पर तड़प रहा है वो चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का है, लेकिन दूसरों की जान बचाई। तो एक प्रोग्राम अंदर चल रहा है, अरविंद केजरीवाल इस वक्त अपना खिताब कर रहे हैं। एक बार चलते हैं सीधे ऑडिटोरियम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। स्कीम पायलट बेसिस पे चल रही थी, आज इसको हमने फॉर्मली लॉन्च किया है। स्कीम के तहत हमारा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी हालत में हर जान को बचाने की कोशिश की जाए। अगर कहीं भी दिल्ली की सीमाओं के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, वो एक्सीडेंट जिसका होता है वो चाहे देश में कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन अगर दिल्ली की सीमा में एक्सीडेंट होता है तो उस स्कीम, उस व्यक्ति का जो भी वहां से गुजर रहा है, वो व्यक्ति उसको, दुर्घटना पीड़ित को नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचा दे। कहा जाता है मेडिकल भाषा में कि जो पहला एक घंटा होता है उसको गोल्डन आर कहते हैं। अगर उसे एक घंटे के अंदर तुरंत उस व्यक्ति का इलाज हो जाए तो उसकी जान बचने के 70-80% ज़्यादा चांस होते हैं। तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में आप पहुंचा दीजिए, चाहे वो हॉस्पिटल कितना भी महंगा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। पिछले 1.5 साल के अंदर हम 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं, और जो लेके जाते हैं लोग, हमारी नज़रों में, दिल्ली सरकार की नज़रों में ये लोग फरिश्ते होते हैं। मैं दिल्ली के सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई आपसे पूछताछ नहीं की जाएगी, पुलिस आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी, पुलिस आपकी मदद करेगी, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली का हर नागरिक फरिश्ता बने। और ख़ास तौर से मैं दिल्ली के ऑटो वाले और टैक्सी वाले भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि कहीं भी आप दुर्घटना पीड़ित को देखें, आप तुरंत उसको नजदीकी अस्पताल में सर मेडिकल लीगल सर सवाल है प्रकाश जावड़ेकर से पूछा गया पहले इस दिल्ली का जो प्रदूषण एक बार सर मेडिकल लीगल केसेस के अंदर अभी भी ऐसा आ रहा है कि एमएलसी के केसेस में पुलिस उलझा लेती है और जो लोग ले जाते हैं उनको तब भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। कल भी ये मामला आया है। आप मेरे सामने केसेस लेके आओ, हम उसमें जो भी किसी को भी दिक्कत आएगी उसको पर्सनली मैं इंटरवीन करके उनकी जो भी दिक्कत आएगी उसको सॉल्व कराऊंगा। अगर ऐसा कोई भी केस आता है जिसमें अगर किसी को, किसी भी फरिश्ते को परेशान किया जाता है, हम उसको सॉल्व कराएंगे। आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आपको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी आप लोगों ने दुर्घटना से पीड़ित तीन लोगों की कहानियां सुनी, काफी मार्मिक कहानियां थी। हम लोग दो ऐसे लोगों से मिले अभी जिन्होंने एक तरह से फरिश्ते का काम किया और जब दुर्घटना हुई तो उनकी जान बचाने का काम किया। 1.5 साल पहले ये स्कीम लागू हुई थी, इसको हम लोगों ने पायलट बेसिस पे लागू किया था। हम ये देखना चाह रहे थे कि इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उन सभी कठिनाइयों को हम दूर करके प्रॉपरली हम इसको लॉन्च करना चाहते थे, जो कि आज किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल के अंदर, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, 3,000 से ज़्यादा लोगों की जान इस स्कीम के तहत बचाई जा चुकी है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है क्योंकि हम भी कोई नेता तो है नहीं, हमें राजनीति करनी तो आती नहीं है। हम भी सरकार के अंदर, सरकार में आने के पहले समाज सेवा का काम किया करते थे एनजीओ के जरिए। अब हमें लगता है कि भगवान ने हमें सरकार में पहुंचा के वही समाज सेवा का काम बहुत बड़े स्तर पे करने का मौका दे दिया है। पहले दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती के अंदर मुद्दों पे काम किया करते थे, अब भगवान ने पूरी दिल्ली की के अंदर कई लोगों के लिए सेवा करने का काम हमें दे दिया। जिन लोगों के एक्सीडेंट हुए और
जिनकी जान इस स्कीम में बची है, ऐसे कई लोग मेरे पास आए, उन्होंने अपनी अपनी कहानियां बताई। तो एक अच्छा लगता है कि जो सरकारी पैसा है, आप लोग टैक्स देके सरकार चलाते हो। अभी तक लोगों का सरकारों पे से, पार्टियों पे से विश्वास उठ गया था। लोगों को लगता था इतना टैक्स देते हैं हम लोग, 24 घंटे मेहनत करते हैं, टैक्स देने का क्या फायदा होता है। लोग देखते थे नेता चोरी करते हैं, सरकारें चोरी करती हैं, भ्रष्टाचार होता है। लेकिन अब पिछले 4-5 साल से लोग देख रहे हैं कि हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं तो काम आ रहा है। अब लोगों को ये विश्वास हो रहा है, कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम सरकार है, मेरी जान तुरंत बच जाएगी। और कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट के बाद पहला 1 घंटा होता है, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस 1 घंटे के अंदर दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के 70-80% चांस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जाती है। वो गोल्डन आवर मेडिकल उसमें कहा जाता है कि सबसे जरूरी होता है। उसमें हमने देखा कि जैसा अभी पीयूष जी ने भी बताया कि लोग डरा करते थे पहले किसी भी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में ले जाने से। उनके 2 डर होते थे। एक डर तो ये होता था कि मैं अस्पताल में लेके गया और उन्होंने अगर दाखिल नहीं किया, अक्सर सुन अखबारों में हम पढ़ते थे, इस अस्पताल में ले गए, अस्पताल वाले ने मना कर दिया, फिर उस अस्पताल में ले गए, उसने भी मना कर दिया, तो आदमी सोचता था ये तो मेरे गले पड़ जाएगा, मैं कहाँ कहाँ लेके जाऊँगा, तो तब तक मैं घूमूंगा। तो लोगों को ये डर होता था। और दूसरा डर होता था कि पुलिस वाले फिर कम करेंगे, 10 बार मेरे को बुलाएंगे। अब ये दोनों डर खत्म कर दिए। सबसे पहले तो आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी सबसे नजदीकी हॉस्पिटल आपके पास है, वो चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, उसमें कितना भी खर्चा क्यों ना आता हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको उसको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है। सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये 3000 जाने बचाई गई, इनमें जितने लोग लेके गए पुलिस ने उनका सबका साथ दिया, पुलिस ने किसी को तंग नहीं किया। तो पुलिस किसी को तंग नहीं करती, अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए, पुलिस पूरा सहयोग करती है इस पूरे काम के अंदर। तो अब मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया में भी हमने पढ़ा अखबारों के अंदर कि वो 1 घंटे तक सड़क के ऊपर पड़ी रही, लोग आते जाते उसको देखते रहे, किसी ने उसको उठा के अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अभी पीयूष जी ने अपने भाई की घटना बताई कि किस तरह से 45 मिनट तक वो सड़क के ऊपर पड़ा, किसी ने बिल्कुल अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अगर इस किस्म की लोगों को टाइम पे भर्ती करा दिया जाए तो मुझे लगता है उन सबकी जान बचाई जा सकती है। तो ये जितने लोग जान बचा रहे हैं, फरिश्ता और होता क्या है, कहानियों में जो पढ़ा करते थे वो फरिश्ते क्या होते हैं, फरिश्ते वही तो होते हैं जो जान बचाता है किसी की। तो जिन लोगों की जान बची उन लोगों के लिए तो यही फरिश्ते थे जो उन लोगों को अस्पताल में लेके गए। अगर ये अस्पताल में नहीं लेके जाते तो पता नहीं जान बचती कि नहीं बचती। तो मुझे बेहद खुशी, आज इस स्कीम का एक फॉर्मल लॉन्च किया जा रहा है फरिश्ते दिल्ली के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दिल्ली के लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके हमारे लिए, दिल्ली के एक एक नागरिक की जान की बहुत कीमत है, उसकी जान बचाने के लिए दिल्ली सरकार को कितने भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, हम पैसे खर्च करेंगे, उसमें हम कोई कटौती नहीं करेंगे। हमारे लिए एक एक जान कीमती है। अब मैं चाहता हूं कि दिल्ली का एक एक नागरिक फरिश्ता बने, दिल्ली का एक एक नागरिक ये कसम खाए कि अगर मेरे को सड़क पे कोई भी घायल मिल गया, अगर मेरे को सड़क दुर्घटना पे, एसिड अटैक में या जलने में कोई भी मिल गया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसको जरूर नियरेस्ट अस्पताल में पहुँचाऊँगा, चाहे उसके लिए मेरे को उस दिन की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं उसको तुरंत अस्पताल लेके जाऊँगा। और ख़ास तौर से दिल्ली में सारा दिन ऑटो वाले भाई और टैक्सी वाले भाई खूब पूरा दिन चलते हैं, उनसे तो मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि हर ऑटो वाला और हर टैक्सी वाला दिल्ली का फरिश्ता बने, कसम खाए कि कहीं उसे कोई अगर दुर्घटना मिली तो हम उसको ज़रूर, उसकी जान बचाने के लिए हम तन मन धन से उसके लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
अक्सर हम मीटिंग में जाते हैं, इस स्कीम के बारे में लोगों से पूछते हैं, तो 80% लोगों को पता ही नहीं है। अगर सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, जैसे पीयूष राजेश ने कहा, जो लोग देख रहे हैं, अगर उनको पता ही नहीं स्कीम ऐसी है तो वो हिम्मत ही नहीं करेंगे अस्पताल ले जाने की। अगर उनको पता ही नहीं है कि आपसे पूछताछ नहीं होगी तो हिम्मत नहीं करेंगे उसको उठा के लेके जाने की। तो दिल्ली के कम से कम 100% लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसी कोई स्कीम चल रही है, और अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो आप उसको तुरंत ले जा सके। तो सबसे ज्यादा है अवेयरनेस का पता होना चाहिए। और देखो, हमारी एक सोसाइटी में कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। मैं कहता हूं पलट दीजिएगा, नेकी कर फेसबुक पे डाल। जिसने भी किसी की भी जान बचाने में इतना सा भी काम किया है, मैं तो कहता हूं जो देखो ये तो फरिश्ते ही हैं, तो किसी को जान बचाने के लिए अस्पताल तक ले गए। अब उसको सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 1000 लोगों को बताए कि मैंने ये काम किया है। पर कई बार क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना झंडा क्यों बचूं, अपने लिए नहीं, उसको इसलिए कि किसी और की जान बचेगी, किसी और की जान बचाने के लिए उसको बताना चाहिए। और आपको पता लगे ऐसी कहानी तो उस कहानी को आप भी 100 लोगों के आगे लेके जाएं, बताएं कि भाई एक फरिश्ता ऐसा था जिसने किसी की जान बचाई। तो आपको भी पता होना चाहिए, स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, आप भी किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज जितने भी लोग इस हॉल में आए, कम से कम 100, 200, 500 लोगों को व्हाट्सएप पे डालिएगा, फेसबुक पे डालिएगा, फोन करिएगा, स्कीम के बारे में बताइएगा। स्कीम बड़ी सिंपल है, दिल्ली की बाउंड्री के अंदर अगर किसी का भी सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होता है, आग लगने से झुलस जाते हैं या एक्सीडेंट होता है, उसको लेकर आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे, दिल्ली का कोई भी अस्पताल है, छोटा है, बड़ा है, सरकारी है, प्राइवेट है, किसी भी अस्पताल में ले जा सकते हैं। जो भी खर्चा आएगा, चाहे 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई पहले अगर छोटे अस्पताल में ले गए, भाई जैसे एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल सामने छोटा अस्पताल है, तो वो इमीडिएटली मरहम पट्टी कर देते हैं, खून रुक जाता है, उससे जान बच जाती है। अब उसके बाद क्या करें, पहले 72 घंटे में, पहले 3 दिन के अंदर अगर आप उसके बाद अस्पताल चेंज भी करते हैं, तो हम चेंज करने वाले अस्पताल का भी खर्चा देंगे, पहले वाले अस्पताल का खर्चा देंगे। साथ ही साथ अगर छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए अस्पताल वाला एम्बुलेंस भेजता है, तो उस एम्बुलेंस का खर्चा भी अस्पताल को हम देते हैं। मतलब हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं है, आप किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। और पहले 3 दिन में अगर चेंज भी करना पड़े अस्पताल, जैसे न्यूरो सर्जरी करनी है, आपको सर में चोट लगी है, अब सभी अस्पतालों में सर्जरी नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। वो आपको मरहम पट्टी कर देगा, खून बच जाएगा, खून रुक जाएगा, अपने एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल में ट्रांसफर कर देगा। तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, और जो लेकर जाते हैं उनको 2000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। परंतु हमारा एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है, ज़्यादातर लोगों ने इनाम लेने से मना कर दिया, कहते भाई इतना पुण्य का काम किया है, ये इनाम तो हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। तो उनके लिए मैं डबल ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इनाम लेने को तैयार नहीं है। इस स्कीम के लिए दिल्ली सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप किसी भी घायल को या किसी भी इमरजेंसी के आदमी को इलाज करेंगे, बट इशू ये आता है पेमेंट कौन करेगा, झगड़ा यहाँ पे था पेमेंट। वो कहते हैं हाँ जी हमने मरहम पट्टी कर दी, अब अपने घर जाओ। अरे होना तो ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन नहीं करते थे। हमने कहा सारा खर्चा देंगे, चाहे कितना भी हो, कोई ऑपरेशन करना है, इम्प्लांट लगाना है, जो भी करना है, सारा का सारा खर्चा देंगे। और मुख्यमंत्री जी के लिए मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी स्कीम को इतनी आसानी से लागू करा। अब देखो लगभग 2 साल हो गए, बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। ये शुरू में हमारी स्कीम स्टार्ट हुई तो तब दिक्कतें आती थी, कई वाले कई अस्पताल कहते थे हम फ्री में नहीं करेंगे जी, आप चले जाओ जहाँ भी। तो कई लोग मेरे पास आते थे, पर मेरे पास आए उनके हमने रिफंड कराया। हॉस्पिटल्स को हमने सख्त हिदायत दी है, और मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि अगर अस्पताल इसको करने से मना करेगा उसका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अगले फरिश्ते हैं श्री करण गुप्ता। सर सर एक मिनट, सर सर सर, श्री जितेंद्र कुमार, लाइट पड़ रही सर, थोड़ा सा, श्री अमित, हमारे तीसरे वरिष्ठ
श्री जितेंद्र कुमार भाई थोड़ा पीछे आ जाए, थोड़ा नीचे कर ले इसे, अगले वरिष्ठ है श्री अमित सर, इधर भी देख लीजिए, श्री रवि प्रकाश, श्री मोहित, श्री राहुल गुरनामी, श्री सोनू गौतम जी, श्री हैदर अली जी, श्री राहुल जी, श्री महेश कुमार जी सर, श्री अमित कुमार जी, श्री गौतम, श्री सोनू गौतम जी, अनिल श्री हैदर अली जी, और आज दिल्ली सरकार के एक प्रोग्राम फरिश्ते में ऐसे बहुत सारे दिल्ली वाले पहुंचे हैं जो कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं, और उन्होंने भी आकर के दिल्ली सरकार की जो एक स्कीम है दूसरों की जान बचाने की, उसमें अजम लिया है, ये शपथ ली है कि अब अगर आइंदा कभी भी किसी सड़क पर किसी को तड़पते देखेंगे या कोई हादसे के शिकार किसी व्यक्ति को देखते हैं तो फौरन उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, अपने तमाम कामों को, अपने तमाम अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल तक चाहे करना पड़े कर जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आज एक स्कीम लॉन्च हुई है फरिश्ते, लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हादसे के दौरान किसी को पड़े हुए देखते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं कि कहीं हमारा वक्त भी जाया होगा और पुलिस भी हमें परेशान करेगी। अक्सर यही होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इस स्कीम के द्वारा अब ऐसा नहीं होगा। जागरूकता अभियान जो मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा है और आज सभी को इकट्ठा करके जो बात कही है, हम भी आज से शपथ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी से हम कम से कम 200 से 500 लोगों को ये बात बताएंगे और जानकारी देंगे। और मेरे साथ आए हुए ये जो 25-30 लोग हैं, ये भी सभी एक एक आदमी कम से कम 200-300-400 आदमियों की जिम्मेदारी लेगा और उन्हें बताएगा कि अगर कोई भी हादसा सड़क पर ऐसा देखते हैं, एक्सीडेंट देखते हैं, तो फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाएं और किसी की जान को बचाएं, ताकि आने वाले वक्त में दिल्ली के अंदर अगर जितने भी एक्सीडेंट हो तो एक भी एक्सीडेंट से मौत ना हो सके किसी व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मौत ना हो सके। तो जाहिर सी बात है कि ये कोशिश एक अच्छी पहल है और लोगों को इससे बढ़ावा भी जरूर मिलेगा, लोगों के दिल में से डर निकल जाएगा कि अगर हम किसी को सड़क पे तड़पते देखें तो पुलिस पूछेगी, प्रशासन पूछेगा, ये सब नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जैसे कि आपने एक शब्द जो हमेशा कहानियों में किस्सों में सुनते आ रहे हैं, फरिश्ता, तो एक वैसे ही काम ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो है दिल्ली की जनता को दिया है कि आप फरिश्ते बनिए, किसी की जान बचाइए। अक्सर होता यही है, जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, ट्रैफिक नियम के जो सिस्टम है उसको सख्त करने के बावजूद भी जो है जागरूकता की कमी है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होता है और अक्सर रोजाना किसी किसी शिकार हो जाते हैं और उसमें लोग डरते हैं, क्योंकि हमेशा से जब उसकी खबर पुलिस को जाती है तो पहली बात तो एक घंटे तक पुलिस नहीं आती है, एम्बुलेंस जैसे आती है। तो इस स्कीम का फायदा ये होगा कि तुरंत उसको जो भी पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट होगा उसे गाड़ी में डालेंगे, किसी भी अस्पताल में लेके जाएंगे, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी हो, उसको तुरंत उसका इलाज मिलेगा और इलाज की जो कीमत है, जो उसकी रकम है, जो पैसा है, वो सरकार देगी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रभात है। प्रभात, आपने किसकी जान बचाई थी और कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? इंडिया गेट पे एक्सीडेंट हुआ था, हम ऑफिस से आ रहे थे तो एक बुजुर्ग काफी चोट लगी थी, तो रोड पे खड़े हुए तो काफी पब्लिक उनकी वीडियो बना रही थी, कोई मदद नहीं करता था, हम ले आने लगे तो हमें भी मना करने लगे कि मत लेके जाओ। कौन मना करने लगा? पब्लिक थी, फंस जाओगे वो, फिर भी हम लेके गए। पहले लेडी आर्डिंग लेके गए थे, वहाँ एक डेढ़ घंटे इलाज चला, कुछ नहीं हुआ, फिर हम उन्हें एम्स लेके गए जी। फिर एम्स में जब उनका इलाज हो गया पूरा, जब उनके घर वाले आ गए, जब खतरे से बाहर हो गए, उसके बाद हमने चुना जब छोड़ के। तो वो इलाज के बाद भी आपके टच में रहे वो लोग? नहीं, उसके बाद उनकी जान बच गई थी। हाँ जी, जान बच गई। आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित, तो किस तरह जान बचाई थी? आप साथ में थे? हाँ जी, हम साथ में थे, बाइक से थे, वो खून में बहुत ज्यादा लथपथ थे, हम लोग नहीं लेके पहुंच सकते थे, वो डेड भी हो सकते थे। सरदार मंदिर के पास रोड पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और उसको कोई उठा नहीं रहा था, उसकी वीडियो बना रहे थे, फिर मैंने उसे उठाया और उसको पास के हॉस्पिटल में लाल बहादुर शास्त्री में उसको एडमिट कराया और थोड़ी देर बाद उसे रिलैक्स आया, तो उसकी फैमिली के लोग आ गए थे, फिर वो हमने वहाँ से आ गए।
आपको पुलिस ने क्या परेशान किया था उस वक्त में जिस वक्त आप लेकर के गए होंगे? हमने 100 नंबर फोन कर दिया था, पुलिस ने कहा भाई इसकी कुछ कागज वगैरह देख लो, फैमिली से कोई आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर थोड़ी देर में फोन आया इसकी फैमिली के लोग आए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई। और एक आंकड़े के मुताबिक इस वक्त जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अभी बताया और खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी बताया कि दिल्ली में लगभग 3000 से के आसपास लोग जो हैं अपनी जो जिंदगियां हैं वो दोबारा उन्हें मिली हैं और किसी तरह लोगों ने उनकी जान बचाई और वो लोग बच सके। ऐसे और भी लोग हैं मेरे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन गंभीर है। चंदन जी, कहाँ आपको कोई घायल मिला था, कहाँ एक्सीडेंट मिले थे? जगतपुर रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, एक 7 साल की बच्ची थी, 7 साल की बच्ची जो है रोड क्रॉस कर रही थी अपने मदर फादर के साथ, और उस टाइम एक बाइक पे ड्रिंक किए हुए जो निकल रहा था उसने क्या उसकी टांग के ऊपर चढ़ा दी, काफ़ी ब्लड निकला, फिर हेड के बाद हॉस्पिटल ले गए, उसकी जान बच गई। उन्होंने बहुत इंक्वायरी करी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, जो भी होगा ऊपर वाले के हाथ में, पहले बच्ची की जान बचनी है, 7 साल की बच्ची थी, उसका ब्लड काफ़ी निकल चुका था और बहुत अच्छा बच गई। क्या बच्ची में है वो परिवार? हाँ बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, वो बच्ची बहुत अच्छी है। मैं कभी थैंक यू करना चाहूँगा, आगे भी हमें यही सरकार की रिक्वायरमेंट है कि वो यही सरकार आए जो सबके लिए बहुत अच्छा कर रही है, स्कूल्स भी देख लो और स्वास्थ्य भी देख लो, मैं कह रहा हूँ हर काम में बहुत अच्छा पॉजिटिविटी है, बहुत बेटर है, दिल्ली सरकार बहुत अच्छी है। आपने किसकी जान कहाँ बचाई थी, क्या हुआ था? कोई साहब थे रिंग रोड पर मिले मुझको, पड़े तड़प रहे थे, मैंने देखा कोई के लोग जा रहे हैं लेकिन मैंने अंदर पहुंचा दिया हॉस्पिटल में, गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल में ले गया, अरविंद हॉस्पिटल LNGP में, LNGP में। फिर क्या हुआ? और वहाँ उन्होंने उनको कहा कि भाई इनको तो पर्चा बनवाइए एडमिट कराएं, तो लिहाजा मैंने पर्चा उनको बनवा करके एडमिट कराया, और एडमिट करा करके पुलिस वाले ने कहा कि आपको पैसा भी मिलेगा और आप पूरा उसको वो दें। आपको पुलिस ने परेशान नहीं किया? पुलिस ने कोई परेशान नहीं। तो कुल मिलाकर के इस वक्त दिल्ली के वो लोग जो इतना शऊर रखते हैं और सड़कों पे अगर कहीं भी ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कम से कम वो इस चीज को जरूर देख करके रखें कि अगर कहीं आपको कोई व्यक्ति घायल अवस्था में मिलता है या कोई एसिड अटैक का कोई विक्टिम दिखता है या कोई हादसे के दौरान जख्मी हो जाता है तो आप लोग उसको बिल्कुल भी संकोच ना करें, बिल्कुल परहेज ना करें कि आप उसे अस्पताल तक ना पहुंचाएं। आपका पहला कर्तव्य है, पहली जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जो खून में लथपथ पड़ा है या किसी को कोई गाड़ी मार गई है, उसका हादसा हो गया, तो आप फौरन उसको अस्पताल पहुंचाएं। इस वक्त जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ये फरिश्ते नाम से जो स्कीम बनाई है, फरिश्ते इसलिए कहा है क्योंकि अपनी उन लोगों की जानों को बचाने वाले जिन लोगों ने फरिश्ते के रूप में आकर के उनकी जिंदगियां बचाई हैं, इसलिए उनको दिल्ली सरकार ने भी फरिश्ते के लकब से नवाजा है। और खुद केजरीवाल ने उन लोगों की प्रशंसा की है, उनको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिए गए हैं। तो मैं उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन लोगों ने दूसरे तड़पते हुए लोगों की सड़क पे हादसा हुए लोगों की जानें बचाई, उनको अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद की। और केजरीवाल ने एक बात और इस प्रोग्राम के दौरान बताई जो आप लोगों ने भी सुना कि किस तरह से किसी भी तरह से आपको पुलिस वगैरह अगर मेडिको लीगल केस है यानी कि MLC का मामला है, हादसे का सड़क का मामला है और आप लोग अस्पताल लेके पहुंचते तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी, आपसे ज्यादा सवाल जवाब वगैरह की उलझनों में आपको नहीं उलझाएगी। तो आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को जो आप सड़क पर घायल अवस्था में देखें या किसी हादसे का शिकार हुए लोगों को देखें तो आप फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाएं और उनका इलाज कराएं, क्योंकि जिस तरह बताया कि एक घंटा जो शुरुआत का होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है, उस वक्त में कि जब हादसा होता है उससे लेकर के एक घंटा पूरा उसकी जिंदगी की उसकी जो जान है वो उस दौरान बचाई जा सकती है। आप लोग हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पहली खबर के लिए जान सकते हैं, और साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया से लाइक करके जुड़ सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।